गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन क्लास एमएससी सब्जेक्ट जूलॉजी सेमेस्टर सेकंड पेपर सिक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स में आज हम जो सिलेबस में हमें थर्ड टॉपिक मिला है जिसके अंदर हमें न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के ऊपर डिस्कशन करना है और इसके जो सब पैरामीटर्स हैं उसके अंदर हमें पैटर्न्स ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन और इसमें भी टाइप स्टडी मेंबर्स के अंदर हमें अमीबॉइड फीडिंग्स यानी सेल के द्वारा किस प्रकार से होता है, सीलियरी फीडिंग और फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म की स्टडी करनी है। साथ ही साथ मैक्सिमम जो पैरासाइट वो मैक्सिमम जो प्रोटोजोन्स हैं वो पैरासाइट हैं, इसीलिए हमें पैरासाइट मोड ऑफ फीडिंग भी स्टडी करना है। लास्ट में हमें फीडिंग जो हमारा सब टाइटल है उसमें जो आर्थ्रोपोड्स हैं यानी जो डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी के अंदर आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स के अंदर और इकाइनोडर्मेट्स में किस प्रकार से फीडिंग होती है इसे हमें कंपैरेटिवली स्टडी करना है। माई सेल्फ मिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी SBC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो इसके अंदर हमें कवर करते समय हमने इस टॉपिक की साइनोप्सिस को अगर हम देखें तो हम उसे इंट्रोडक्शन जो फीडिंग का है और डाइजेशन का वो भी इनवर्टिब्रेट में स्पेसिफिक किस प्रकार से है इसे स्टडी करना है शॉर्ट में। फिर जो है डाइजेशन किस प्रकार से होता है उसके हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं और फिर उसमें टाइप्स में हमें पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इस प्रकार से देखते हुए हमें जो है इनवर्टिब्रेट के अंदर जो फीडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस प्रकार से जनरेट हुई है उसे स्टडी करना है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन एस्पेक्ट पे चलते हैं। देखिए एनिमल्स के अंदर जो फूड है उसकी आवश्यकता के दो इम्पॉर्टेंट जो हैं एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो उसे ऊर्जा के रूप में एनर्जी प्रदान करने के लिए ताकि एनिमल को जीवित रहने के लिए और शरीर की जितनी भी जो और एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर सारे सिस्टम्स की एक्टिविटीज़ हैं साथ ही साथ मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है आदि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को ये मेंटेन रखता है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है उसके अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जो उसकी बॉडी की ग्रोथ करनी है उसके फॉर्मेशन के लिए साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए और उसकी ग्रोथ के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए इन सभी एस्पेक्ट्स के लिए जो है उसे फूड की आवश्यकता होती है। ये बात हम लोअर क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि साधारणतः जो एनवायरनमेंट के अंदर जो सोलर एनर्जी है यानी सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। सभी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें जो सिंथेसिस है उसको करने के लिए जो फोटोसिंथेसिस है वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और क्योंकि एनिमल किंगडम जो है वो प्लांट के जो प्लांट से जो एनर्जी ट्रैप हुई है सोलर एनर्जी ड्यू टू फोटोसिंथेसिस उसके लिए उसे केमिकल कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उनको यूज़ कर कर वो कन्वर्ट करता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल के अंदर और एनिमल्स को भी जो केमिकल कंपोनेंट चाहिए वो जितने भी उसको कंपोनेंट्स की आवश्यकता है वो जो उसे ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं वो इनडायरेक्ट फॉर्म से उसे प्लांट से ही यानी सोलर एनर्जी के कन्वर्जन के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब देखिए जो एनिमल है उसमें भोजन को या फूड को जो है इन अंतर्ग्रहण किया जाए या इन बॉडी के अंदर उसको यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर एनिमल जो है वो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स केमिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनको ही धारण करता है और इनको बेसिकली उसको अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के द्वारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के द्वारा उसे कॉम्प्लेक्स को सिंपल यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। बिना ब्रेक डाउन के उसको एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकती तो यानी जो कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल है उसका सिंप्लीफाई होना या उसका ब्रेक डाउन होना ही जो है वो पाचन क्रिया या डाइजेशन कहलाता है। और एनिमल में जो एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें केमिकल कंपोनेंट्स का ही यूज़ किया जाता है लेकिन
बॉडी की ओवरऑल जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर जो भी उसको कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वो पूर्णतः उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता, जैसे उसको इनडायरेक्ट सोर्स से उनको धारण करना ही पड़ता है। यानी कुछ मटेरियल्स को बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, जैसे विटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो इनकी फुलफिल के लिए एनिमल को आउटर सोर्स से बॉडी के अंदर इन मटेरियल को इनटेक करना पड़ता है, यानी फीडिंग मेथड के द्वारा अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो इनकी डेफिशिएंसी है उनको कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है मेन फोकस होंगे इन्वर्टिब्रेट की फीडिंग पे, तो जो इन्वर्टिब्रेट के अंदर जो फीडिंग करना है, भोजन करना है, उसके अंदर डिफरेंट जो मैकेनिकल जो प्रोसेस हैं उसके द्वारा जो है इन्वर्टिब्रेट्स भोजन को ग्रहण करते हैं, और सबस जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या ये मेथड हैं उन मेथड्स के द्वारा एनिमल जो है वो डेवलप्ड होता है, उसकी ग्रोथ होती है, और वो जो भी एनर्जी है वो अपनी कंप्लीट ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए वो पूरा करता है। इसके लिए हम एक डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं जो यंग के द्वारा 1928 के अंदर दी गई थी, और इन्होंने कहा कि उपयोग किए गए भोजन के आकार और प्रकार के अनुसार जो इन्वर्टिब्रेट हैं वो मतलब हम उनके इस फीडिंग जो सिस्टम है उसको हम मुख्य रूप से तीन सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो तीन जो कैटेगरी हैं उसके अंदर है माइक्रोफैगी, मैक्रोफैगी और फ्लूइड और सॉफ्ट टिश्यू फीडिंग। तो हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। जैसा कि टर्म से ही आपको क्लियर है, जब माइक्रोफैगी यानी जब एनिमल जो है छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फीडिंग मेथड के लिए यूज़ करता है तो इस सिस्टम को हम माइक्रोफैगी कहते हैं, और इस प्रोसेस में फूड को या खाने को ग्रहण करने के लिए सूडोपोडिया, सीलिया, टेंटिकल्स, म्यूकस और सीटीज, साथ ही साथ इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए मसल्स का यह एनिमल्स यूज़ करते हैं। इसके विपरीत जो मैक्रोफैगी है यानी मैक्रो यानी लार्ज पार्टिकल्स, इसके अंदर बड़े जो फूड मटेरियल्स हैं जो कि जिनका जो है मास ज़्यादा होता है उन फूड मटेरियल्स के लिए ये सिस्टम वर्क करता है, और इस मेथड के अंदर जो इनएक्टिव जो फूड मटेरियल है यानी निष्क्रिय जो फूड मटेरियल है उसे बॉडी के अंदर इनटेक करना यानी उसको स्वेलो करना, साथ ही साथ स्क्रैप करना, उसको बोरिंग करना और उसको जो है प्रे करना जैसे शिकार करने के लिए, ये सारे मेथड्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और जो इसका प्रे है उसको पकड़ने और बाद में उसको च्विंग करने, उसको इन बॉडी में निगलने, ये सारी जो मेथड्स हैं ये फिर ओवरऑल जो है वो फीडिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसी की थर्ड जो कैटेगरी है जिसे हम फ्लूइड और सॉफ्ट टिश्यू फीडिंग कहते हैं, उसके अंतर्गत जो फीडर होते हैं वो मुख्य रूप से जो इनका फीडिंग मटेरियल है उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं यानी सक करते हैं। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी जो जो ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं, या फिर शिकार को शरीर के अंदर जो है फ्लूइड मटेरियल्स के मतलब फ्लूइड अवस्था के अंदर जो है ये सक करते हैं। इसके लिए एनिमल में जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसे हम जो है मुख्य रूप से जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसके अंदर हम स्टडी करेंगे, तब हम इस मेथड को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। इसमें जो लिक्विड मटेरियल है उसको बॉडी के अंदर सक किया जाता है, जिसके लिए इसके अंदर जो है माउथ पार्ट्स की एडेप्टिव डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल है वो शरीर की सतह से यानी बॉडी सरफेस से मीडियम से सबस्ट्रेट से जो है लिक्विड फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है।
इसी जो जो एस्पेक्ट है उसको आगे जब हम रिव्यू करते हैं, तो मॉर्टन ने 1967 में अपनी एक जो है वो डेफिनेशन प्रपोज की थी, जिसके अंदर जो फूड मटेरियल का जो नेचर है उस नेचर के या प्रकृति के अनुसार क्लासिफाइड किया गया है, जिसके अनुसार जो एनिमल को हमने क्लासिफाइड किया है वो बेसिकली 5 कैटेगरीज हैं। उसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है हर्बीवोरस और ओमनीवोरस, दूसरी है डिपॉजिट फीडर, तीसरी है कार्निवोरस, और आगे और फोर्थ जो कैटेगरी है वो फिल्टर फीडर है, और जो फिफ्थ कैटेगरी है वो फ्लूइड फीडर है। तो जो अर्लियर जो जो थ्री टर्म्स हैं, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस, ये वेल नोन टर्म हैं, आप जानते ही हैं कि फूड मटेरियल के अंदर अगर प्लांट है या एनिमल है डाइजेशन वो मटेरियल, तो उसे हम हर्बीवोरस या ओमनीवोरस कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। और जब हम इसकी मॉर्फ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसके लिए इसकी बॉडी के अंदर जो है कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। डिपॉजिट फीडर के अंदर एनिमल जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर सबस्ट्रेटम के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर गट में जो है वो फूड मटेरियल को इनटेक कर लेता है। हिरुडिन एरिया में आप लोगों ने इसकी स्टडी की है। कार्निवोरस के अंदर जो एनिमल है वो एनिमल प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमें हमारे सिलेबस के अंदर जो स्टडी करना है, जो इसके उसमें है फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू किस प्रकार से फीडिंग करता है, इसे हम जो है टाइप स्टडी मेंबर के आधार पर तो स्टडी करेंगे ही, पर अभी अगर हम इसके शॉर्ट में अगर देखें तो लगातार जब बड़ी मात्रा के अंदर पानी के साथ साथ जब छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर आते हैं, और इन पार्टिकल्स को फिर एक स्ट्रक्चर या फिल्म या सीटीज या स्क्रीन के अंदर जो है बॉडी में ट्रैप करते हैं, और उसके बाद उसकी स्क्रूटिंग करते हैं, और इस कंप्लीट जो इसका ये ट्रांसपोर्टिंग है या परिवहन है वो एक डिफ्रेंशिएटेड, एक स्पेशलाइज जो इसके बॉडी के जो पार्ट होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं, उसके द्वारा ये किए जाते हैं। इस फीडिंग मेथड को हम फिल्टर फीडिंग मेथड कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्लूइड फीडिंग है, जिसे हम द्रवरक्षण भी कहते हैं। इसके अंदर एनिमल और जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, फूड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है बॉडी के अंदर सक करते हैं, और ये पैरासाइट मोड के भी हो सकते हैं। इनके लिए जो एनवायरनमेंट है उसका जो फूड मटेरियल है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है उस नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कुछ पैरासाइट मोड के होंगे तो वो भी जो है किस उनका फीडिंग मटेरियल अगर जैसे बॉडी फ्लूइड है तो वो उसको जब बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, तो उसे हम फ्लूइड फीडिंग मेथड के अंदर ही स्टडी करेंगे। इसके अंदर एक जो 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 एक टाइप स्टडी मेंबर है जिसको हम ब्रिटल स्टार कहते हैं, ऑफियोकोमिया नाइग्रा, कभी कभी ये जो है माइक्रोफेगस भी होता है, और कभी कभी इसकी बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंगली ये मैक्रोफेगस फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पिन पॉइंट हम किसी एनिमल के लिए किसी फीडिंग मेथड को हम कॉन्क्रीटली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी अपॉर्चुनिटी नेचर के अंदर उसको किस प्रकार का फूड मटेरियल अवेलेबल है और उसकी बॉडी की क्या डिमांड है उस आधार पर डिपेंड करता है। तो मेथड्स के आधार पर हम उनको क्लासिफाइड करके स्टडी कर सकते हैं। तो एक एनिमल जो है वो मल्टीपल टाइप्स की जो है फीडिंग मेथड्स के द्वारा भी अपनी बॉडी के अंदर फीडिंग की मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी मेथड को हम पढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल दोनों एस्पेक्ट पर पढ़ते हैं। तो जब इसके हम फंक्शनल एस्पेक्ट यानी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे, तो हम कुछ एग्जांपल्स के अंदर कुछ एनिमल्स को लेते हुए हम डाइजेशन की बात करेंगे। अगर ओवरऑल हम देखें तो जो आप सभी जानते हैं लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कि लैटिन शब्द से जो है डाइजेशन का जो है वो ओरिजिन हुआ है, और एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर जो फूड मटेरियल है उसके कार्बनिक पदार्थों से वो बना होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से, जिसके अंदर हम जो उसे क्लासिफाइड करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो इनका तीनों का क्लासिफाइड करते हुए हम अलग से सेपरेट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनका मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी ओवरऑल कैटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है,
वो और एनिमल किस प्रकार से ग्रोथ करता है। पर भी आप लोअर क्लासेस के अंदर जैसा पढ़ के आ चुके हैं कि जो फूड मटेरियल है उसकी लार्ज मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले ब्रेक डाउन किया जाता है और जो सिंपलेस्ट यूनिट होती हैं उसके अंदर उसको ब्रेक किया जाता है, जैसे मोनोसेकेराइड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स और पॉलीसेकेराइड प्रोटीन और साथ ही साथ लिपिड्स, लिपिड्स में भी ग्लिसरॉल। फिर इन्हें जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है और ये जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद कम्प्लीटली एक केमिकल प्रोसेस के गुजरने के बाद ये एनिमल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार की डाइजेशन की जो मेथड है उसमें भोजन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मेगा मॉलिक्यूल्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होना और साथ ही साथ बॉडी के अंदर उनको यूटिलाइज करना, ये ओवरऑल जो है डाइजेशन की जो है हम डेफिनेशन के अंदर इसको सम्मिलित करते हैं। और एनिमल्स के अंदर डाइजेशन एक जो है आवश्यक एक जो है एक्टिविटी है, चाहे वो स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा परफॉर्म की जाए या फिर साथ ही साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के द्वारा परफॉर्म की जाए, पर एनिमल डाइजेशन और फीडिंग मेथड के द्वारा ही ग्रोथ करता है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर शरीर के अंदर कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पैरासाइट मोड में रहते हैं या सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं। तो ये बॉडी के अंदर जब रहेंगे और इन्हें डायरेक्ट फूड मटेरियल मिलेगा तो इनके अंदर किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में हम एक सेपरेट हमें पैरासाइट मोड के अंदर पढ़ना है, उसे हम डिटेल के अंदर जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। देखिए जब एनिमल में जब लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स को जब धारण किया जाता है तो इसके लिए इसके अंदर मैकेनिकल और केमिकल दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। जब जैसे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जो बड़े प्लांट मटेरियल है या एनिमल मटेरियल है उसमें भोजन के रूप में लिया जाता है तो मैकेनिकल डाइजेशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिसके अंदर डाइजेशन की जो लास्ट स्टेज है उसमें ये यांत्रिक पाचन होने के बाद या मैकेनिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद लास्ट के अंदर वो सेलुलर डाइजेशन होना आवश्यक है, जो कि केमिकली एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। और इसके लिए जो है वो बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन के समय उसको ट्रीट किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब डाइजेशन को भी हम क्लासिफाइड करेंगे तो हम मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स पर हम उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर जो है इसकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो है एडिप्टिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और जो इसका माउथ है यानी जहाँ से फूड मटेरियल को इंटेक किया जाएगा वहाँ पर विशेष जो है साइट्स और विशेष जो ऑर्गन्स के द्वारा जो है इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। और जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसके अंदर जो बड़े जो फूड मटेरियल है उन्हें जो है ब्रेक डाउन कर छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाता है। इसके विपरीत जो केमिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन के अंदर डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की सहायता से जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। अब हम आगे इसको और डिटेल में अगर देखते हैं तो इसे हम इंट्रासेलुलर
डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के आधार पर भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये साइट स्पेसिफिक है एंजाइम की एक्टिविटी के द्वारा। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर क्या होता है, यह डाइजेशन सेल के अंदर होता है, सेल के इनसाइड होता है, और मुख्य रूप से जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म जो है भोजन को ग्रहण करता है, और इसके अंदर जो फूड वैक्यूल्स होती हैं उसके द्वारा से घेरा जाता है, साथ ही साथ उसे डाइजेस्ट किया जाता है पर्टिकुलर पाथ के द्वारा, और जो उसके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि एक्सक्रीट करने वाले मटेरियल हैं उनको जो है बॉडी से डिस्चार्ज किया जाता है। और जो जो डाइजेशन प्रोसेस से पूछ गए कंप्लीट पास आउट हो गए हैं, जैसे बचे हुए जो पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों को फिर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो समाहित किया जाता है, इसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर स्टडी करते हैं। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है यहाँ पर पाचन कोशिका के बाहर होता है, और आम तौर पर जो है एनिमल्स हैं उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें तो पाचन जो है बॉडी के इनसाइड ही होता है। कल भी प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के जो डाइजेशन है वो कम्प्लीटली इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और जो अन्य फाइलम है उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या तो अंतःकोशिकीय तंत्र को करता है या पूरी तरह से उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर डाइजेशन को हम किसी एनिमल के मतलब टाइप स्टडी एनिमल लेते हैं तो उसके अंदर हम जो है सबसे पहले माइक्रोफेगी के अंदर जो एनिमल लेंगे उसे हम अमीबा के अंदर कंसीडर करते हैं। तो अमीबा जो है वो सार्कोडेना का जो है एनिमल है, और ये यूनिसेलुलर एनिमल है, और इसका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है जो कि मैराइन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और ये पूरी तरह से जो है वो हिट्रोट्रॉफिक एनिमल है। इसमें भोजन के सभी प्रकार के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं यानी माइक्रो यानी छोटे पार्टिकल्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, साथ ही साथ शैवाल हैं, डायटम्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, यहाँ तक कि कुछ छोटे जो जो एनिमल्स हैं जैसे रोटिफर्स हैं और कुछ लावाज हैं, निमेटोड्स हैं, ये भी ये फूड मटेरियल के अंदर इनको इन्वॉल्व करता है। देखिए जो अमीबा है वो एक नॉन सीलिएटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड एनिमल है, और ये जो इसका भोजन है वो इसको इसका मतलब भोजन का इंटेक जो है वो कम्प्लीटली इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसका उसके अकॉर्डिंगली ही जो है फूड की जो है टेंडेंसी है यानी उसकी जो क्वालिटी है उसको ये जज करता है और उसको अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करता है। तो जो इसकी मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के द्वारा फूड मटेरियल को अंदर लेने को हम और भी मतलब सब क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जो फर्स्ट है उसके अंदर हम ले रहे हैं पारगम्यता। और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मॉल जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जो उसके सॉल्ट्स हैं साथ ही साथ कुछ आयन्स हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको बॉडी के अंदर लेता है। बॉडी के अंदर लेने के लिए भी ये दो प्रकार के मेथड्स को यूज़ करता है, जिसके अंदर पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये बॉडी के अंदर इसको ग्रहण करेगा। तो पैसिव डिफ्यूजन के बारे में आप जानते ही हैं कि इस प्रकार के मेथड के अंदर जो इनसॉल्युबल मटेरियल हैं जैसे जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और जो कंसंट्रेट ग्रेडियंट में फैल जाते हैं और उस मतलब उसकी कंसंट्रेशन के अंदर वेरिएशन होने के कारण जो है बॉडी के अंदर जो है बिना किसी एनर्जी को यूज़ लिए हुए ही बॉडी के अंदर इंटेक किया जाता है। दूसरा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एनर्जी बेस्ड होता है। एनर्जी बेस्ड का मतलब है कि जो इसकी मेम्ब्रेन है उसके द्वारा प्रोटीन चैनल्स के द्वारा ऊर्जा के आवश्यक जो इसके जो पंप्स हैं उसके फंक्शंस के द्वारा ये जो डिज़ायर मॉलिक्यूल्स हैं उनको बॉडी के अंदर ग्रहण करता है, और इसके लिए भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स को मूव किया जाता है यानी उसका माइग्रेशन होता है।
एक्टिव पैसिव मेथड के साथ साथ ये जो थर्ड मेथड है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा भी भोजन के फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर ग्रहण करता है। और इस मेथड के अंदर जो इसकी जो जो बाहर की जो कोशिका द्रव्य है उससे ये सेल मेम्ब्रेन के जो है सीक्वेंशनल चेंजेस के द्वारा जो है फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ग्रहण करता है, यानी अंतर्वलि द्वारा भोजन को ये छोटी छोटी वेसिकल्स का जो है फॉर्मेशन करता है और इसको बॉडी के अंदर ग्रहण कर छोटी छोटी पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। इसमें भी जो एंडोसाइटोसिस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उसमें से एक तो स्पेसिफिक होते हैं और दूसरे नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस जिसे हम रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस या RME के द्वारा जो है डिनोट करते हैं। इस फर्स्ट मोड के अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस समय इस प्रक्रिया में प्रोटीन और जो अन्य मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द्वारा जो है वो जो पूर्व के अंदर निर्धारित की गई है उसकी जो रेट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। और ये पदार्थ जो हैं विशिष्ट या स्पेसिफिक जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर हैं उनको जो है वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर क्या करते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, जबकि जो नॉन स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस है इसके अंदर किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, वरन जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो लिक्विडफाइड में या फिर जो है फ्लूइड मोड के अंदर कार्बनिक जो मटेरियल है उसके द्वारा बॉडी के अंदर ग्रहण किया जाता है। साथ ही साथ जो फूड मटेरियल की नेचर है उस नेचर के अनुसार इसे हम दो मेथड्स के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं, जिसे हम पिनोसाइटोसिस इन्वेजिनेशन और फेगोसाइटोसिस, इस प्रकार से हम इसे सब स्टडी करते हैं। इसे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा। ओके, पिनोसाइटोसिस पानी यानी वाटर आयंस और शुगर मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन के जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित होते हैं। और इस मेथड में जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एंटर करती है, पानी के साथ साथ जो लिक्विफाइड जो फूड मटेरियल है वो बॉडी के अंदर जो है एंटर करता है और अवशोषण की जो रेट है यानी जो दर है वो अवशोषित होने वाले जो फूड मटेरियल है उसकी उसकी कंसंट्रेशन के साथ साथ उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। फिर ये इनवेजिनेटेड होते हुए छोटे छोटे से कप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है। आपको इस डायग्राम के अंदर जो ए जो डायग्राम है उसके अंदर आप लोगों को ये जो लिक्विफाइड जो फूड मटेरियल है वो जिसे हम पिनोसाइटोसिस सब डिवीजन के अंदर स्टडी करते हैं, जबकि जो फेगोसाइटोसिस है इसके अंदर जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स या बैक्टीरिया प्रोटोजेंस आदि को बॉडी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बॉडी के अंदर ग्रहण किया जाता है। और इस प्रक्रिया में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं जो फूड मटेरियल के जो ये लार्ज अमाउंट के अंदर है यानी जो बड़े द्रव्यमान में है उसको पकड़ने के लिए उसके क्या करते हैं हेल्प करते हैं। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल्स होते हैं जो मिनरल्स होते हैं उनको या जो भी मोटाइल जो फूड मटेरियल होता है उनको ये बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाकर ग्रहण करते हैं। फेगोसाइटोसिस के अंदर जो फूड मटेरियल होता है वो सॉलिड मटेरियल की फॉर्म के अंदर ग्रहण किया जाता है। अब हम ब्रीफ के अंदर देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। तो इसके अंदर हम वही अमीबा का जो है एग्जाम्पल लेते हुए बात करते हैं। होता क्या है अमीबा के अंदर जब भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है अंतर्ग्रहण के समय भोजन प्रोटोप्लाज्म में जो है वो वेसिकल्स और फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। और इस समय भोजन जो है वो वेसिकल्स में शुरू शुरू में जो भोजन और जो लिक्विड मटेरियल है वो दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और
जब आगे जब ये मूव करता है तो उस समय द्रव की बाहर और साइटोप्लाज्म में जो है डिफ्यूजन के कारण जो फूड वेसिकल्स हैं वो इनके जो फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होने के साथ साथ जो है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो एसिडिक मतलब इसका अम्लीय जो मीडियम होता है वो 5.6 के पीएच पर बना रहता है, और इस मतलब पीएच की इस लेवल के कारण जो है वो इसके प्रे मटेरियल की जो है वो डेथ हो जाती है, डेथ के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे जो ये वेसिकल्स हैं उनके पीएच जो का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो 7.3 के अंदर जो है चेंज हो जाता है। अब लाइसोसोम्स के लिक्विड मटेरियल के प्रवाह के कारण ये जो है पीएच के अंदर वेरिएशन आता है, और जब ये जो फूड वैक्यूल्स है वो लाइसोसोम के कांटेक्ट में आती है तो इसके साथ ये फ्यूज़ हो जाती हैं, और फ्यूज़ होने के बाद लाइसोसोमल जो फ्लूइड है उसके हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं वो जो भी ट्रैप किया गया फूड मटेरियल है उसे वो डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करती हैं, यानी उसका डाइजेशन जो होता है उसकी रेस्पॉन्सिबल जो सेलुलर ऑर्गेनेली है वो लाइसोसोम है, और लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं और फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। अब पाचन की जो उत्पादन है उसमें ये जो वेसिकल्स हैं उनमें कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या होती है डिस्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और यहाँ जहाँ जहाँ पर भी एनिमल को इसकी नीड होती है वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, और सिंथेसिस के बाद जो भी एनर्जी है उसको यूज़ में लिया जाता है, और कुछ फॉर्म के अंदर इसको स्टोर भी किया जाता है जिसके अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड मुख्य हैं, और जो लास्ट के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है यानी जो भी अनयूटिलाइज्ड जो फूड मटेरियल है उसे एक्सोसाइटोसिस द्वारा शरीर के द्वारा जो है बाहर बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके लिए एक पर्टिकुलर ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के द्वारा जिसे हम एक्सक्रीशन मेथड के अंदर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो डाइजेशन है ये ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन के अंदर हम डाइजेशन को मतलब पहले हम टाइप स्टडी मेंबर लेंगे जिसके अंदर हमें जो हमने आज की क्लास में देखा है फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म में देखा है, जिसे हमने अलग अलग जो है क्राइटेरिया के अंदर क्लासिफाइड किया है, फूड पार्टिकल के आधार पर माइक्रोफैगी मैक्रोफैगी या फ्लूइड फॉर्म के अंदर है, इन्हें हमें अलग अलग एनिमल्स में डिटेल में स्टडी करना है। और साथ ही साथ हमने जो मॉर्टन है उसने जो अपनी प्रपोज स्टडी दी थी उसके आधार पर उसने 5 कैटेगरीज के अंदर सब डिवाइड किया था, उसे भी हमें जो है इसमें हमें एक सेपरेट चैप्टर जो फ्लूइड फीडर है यानी पैरासाइट मोड है उसके आधार पर हमें स्टडी करनी है। फिर डाइजेशन इन इन्वर्टिब्रेट्स है तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें जो फर्स्ट जो हमने मेथड लिया है उसके अंदर हमने प्रोसेस के आधार पर क्लासिफाइड किया है, जिसके अंदर हमने केमिकल और मैकेनिकल मेथड दो दो फॉर्म्स होती हैं, जिसके अंदर मैकेनिकल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल जो है स्पेशलाइजेशन होगा बॉडी में पार्ट का माउथ पार्ट में यानी हम इंसेक्ट्स के अंदर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर केमिकल डाइजेशन के अंदर भी फूड मटीरियल को केमिकल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है आर्थ्रोपोड में भी देखेंगे, साथ ही साथ पैरासाइट के कुछ एनिमल्स के अंदर भी हम इसकी स्टडी करेंगे। बाद में हमने जो है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन की बात की है जो कि हम लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ के ही आ चुके हैं। फिर जो हैं डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टिब्रेट के अंदर फीडर किस प्रकार से होता है उसके एग्जांपल में हमने माइक्रोकेमी अमीबा के अंदर जो है स्टडी की है, और जो प्रोसेस के अंदर अमीबा के अंदर जो फीडिंग मेथड है उसमें भी जो एनर्जी बेस्ड है पैसिव है एक्टिव है या एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस के भी अंदर जो है हमने दो प्रकार के स्टडीज को जो है स्टडी किया है जिसके अंदर पिनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस के द्वारा जिसके अंदर लिक्विड फूड मटीरियल और जो सॉलिड फूड मटेरियल है किस प्रकार से मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर सिंक किया जाता है इसकी स्टडी की है। और
फिर लास्ट के अंदर हमें जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ही अमीबा के इस टाइप स्टडी मटेरियल को लेते हुए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर किस प्रकार के जो फूड वैक्यूल्स है उसका बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, और साथ ही साथ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो सेल ऑर्गेनेली है यानी लाइसोजाइम है, उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इसकी स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमें अगला जो टॉपिक मिला है यानी फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, उसकी हम स्ट्रक्चर आधार पर टाइप स्टडी मेंबर लेते हुए और साथ ही साथ मैकेनिकली और फिजियोलॉजी उसके आधार पर हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।